Hello students, today we will discuss your first chapter in SST. Topic, chapter name is When, Where and How. कब, कहां और कैसे, यानी हिस्ट्री के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कब, कहां और कैसे, हिस्ट्री में कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ। तो इसमें सबसे पहले आता ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड, यानी मॉडर्न पीरियड का स्टार्टिंग, मॉडर्न पीरियड यानी आधुनिक समय का। वैसे ट्रांजिशन मीनिंग होता है संक्रमण, लेकिन यह संक्रमण का मतलब क्या हुआ, आधुनिक पीरियड का मिश्रण कब से हुआ। तो आधुनिक पीरियड में आपको मालूम होगा, पहले भी 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आधुनिक पीरियड को 18th सेंचुरी से माना जाता है। तो 18th सेंचुरी से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे प्रेसिडेंसीज थी, बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारे रूलर्स थे और बहुत सारे शासक थे। आपने मालूम, आपको मालूम होगा जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्रथम, हमारे जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 520 यानी 520 स्टेट्स को, छोटी छोटी स्टेट्स को मिला करके एक भारत नाम का कंट्री बनाया था, इसलिए उनको दृढ़ता से वो फैसला लेते थे, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड का मिश्रण कब से हुआ। तो मॉडर्न पीरियड के बारे में आप 18th सेंचुरी की हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड जो भी समय आया, जो भी उसके शासक थे, रूलर्स थे, नवाब थे, महाराजा थे, जमींदार थे, उनके सारे पीरियड्स के सारी चीज़ों को मिला करके हमारे यहाँ ब्रिटिश आए। और ब्रिटिश से पहले कौन कौन आया था, ब्रिटिश से पहले डच आए जो डेनमार्क के थे, फ्रांसीसी आए जो फ्रांस के थे, और जो इंग्लिश यानी ब्रिटिश तो हो ही गए, और ब्रिटिश के अलावा और कौन आया था, डच, पुर्तगीज, स्पेन और हॉलैंड के निवासी ये लोग आए थे। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे यहाँ जो ब्रिटिश आए थे उसी समय से हमारा मॉडर्न पीरियड और हमारा जो अंतिम शासक था औरंगजेब उसके बाद से शुरू हुआ। यहाँ न्यू रूलर्स आए, नए नए शासकों ने अपने नए नए कानून बनाए और उन्होंने अपना नया युग का सूत्रपात किया। जैसा कि आपने देखा होगा हिंदू धर्म में विक्रमादित्य के समय से पत्रा का जो हमारा पंचांग है, पत्रा बोलते हैं, वो विक्रमादित्य के समय से स्टार्ट हुई है। तो उसी तरीके से देयर आर मेनी रूलर्स, दे स्टार्ट दे न्यू रूल्स एंड लॉस, सच है जजिया कर लगाया गया था मुस्लिम रूलर्स के द्वारा, उसी तरीके से न्यू नया स्टार्टिंग हुआ। यहाँ जब हमारा यहाँ पर जब ब्रिटिश रूल आया तो ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी, जो 1600 में आई थी, लगभग 1600 में ये आई थी, और इसका पहला जो इसने जो पहला अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो बनाया था मद्रास में। उस समय मद्रास कहते थे, आज के समय में उसको मद्रास और चेन्नई है, मतलब उसका नाम बदल के मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया। तो वहाँ पर उन्होंने अपना पहला हेड ऑफिस और अपना सारा वर्क वहीं से स्टार्ट किया था। वहाँ पर जब इनको थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ आपस में हमारे इंडियन जो हमारे स्थानीय रूलर्स हैं आपस में टकराव पैदा करते रहते, आपस में लड़ते रहते, तो इन्होंने एक बीकर रूलर को सपोर्ट किया और बीकर ने स्ट्रांग बन करके स्ट्रांग रूलर पर अटैक कर दिया। इस तरीके से स्ट्रांग वाले को हटा दिया, फिर बीकर को अंग्रेजों ने हटा दिया। तो धीरे 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 इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी पर कब्जा कर लिया, और मद्रास प्रेसिडेंसी पर कब्जा करने से पहले इनको फ्रांसीसियों से भी लड़ना पड़ा। तो इस तरीके से इन्होंने अपना धीरे धीरे हमारे दक्षिण भारत में अपना आधिपत्य, अपना डोमिनेशन, जिन आधिपत्य को इंग्लिश में डोमिनेशन बोलते हैं, अपना डोमिनेशन सेटल कर लिया था। फिर इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा से स्किलफुली चलाना था, ज़्यादा एफिशिएंटली चलाना था, तो इन्होंने अपने डिफरेंट टाइप के वर्क को अंजाम दिया, यानी शुरू किए और करवाए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था मैपिंग, यानी उस क्षेत्र की मैपिंग कराना, नक्शा बनाना, नक्शे को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हमें अपनी रूट्स बनाने हैं, अपने माल को ले जाना, इनका पर्पस तो ओनली यहाँ से माल को ले जाना था इंग्लैंड में, है ना। तो वहाँ तक पोर्ट तक, बंदरगाह तक माल पहुँचाने के लिए इन्होंने 1885 में सबसे पहले अपनी रेलवे शुरू की,
सभी पर्पजों के लिए उन्होंने मैपिंग को स्टार्ट किया और मैपिंग से रिलेटेड जो हेडक्वार्टर था सर्वे का वो देहरादून में सेटल किया, देहरादून में बनवाया था। उसके सर्वे करने वाले कौन थे? सर जॉर्ज एवरेस्ट एंड विलियम लैम्पटन। तो इन्होंने इनके संदर्भ में इनको पहले सर्वे करने के लिए दिया गया। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आज भी सर्वे करते हैं, चाहे हाईवे हो चाहे लैंड हो कुछ भी हो, तो सर्वे ही मेन है। तो सर्वे का पर्पज और मैपिंग का पर्पज इनका यही था कि हम अपने माल को अंदरी यानी इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया है जो भारत का अंदर का हिस्सा है उसके माल को पोर्ट तक रेलवे स्टेशन तक किस तरीके से आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो इसके लिए इनको मैपिंग की भी जरूरत थी। और मैपिंग के लिए दूसरा पर्पज इनका मैपिंग का क्या था कि हम इस क्षेत्र पर अटैक कर करके अपने कब्जे में डोमिनेशन में ले लेंगे तो आगे का क्षेत्र हमारे लिए कितना कठिन पड़ेगा, किस तरीके से हमें आना जाना होगा, ये अपना डिफरेंट टाइप से अपने उसको डोमिनेशन में लेने के लिए पूरी कंट्रीज को इन्होंने अपने मैपिंग को इम्पोर्टेंस दिया और मैपिंग पर ज़्यादा जोर दिया। और इसके लिए इन्होंने अपने दोनों सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट और एंड विलियम लैम्पटन को काम दिया गया था। फिर क्या हुआ, इनका जो ब्रिटिश रूल था वो अपने स्ट्रिक्टली के लिए जाना जाता था, वो नहीं ये जानते थे कि इंडियंस हैं, इंडियंस वर ट्रीटेड वेरी बैडली लाइक एन एनिमल। इंडियंस को एक जानवर की तरह ट्रीट करते थे, है ना। तो उस तरीके से इनको अपना डोमिनेशन सेटल करने के लिए, अपना राज्य स्थापित करने के लिए इन्होंने यहाँ पर किया था। फिर इन्होंने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, उसी के लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत का पुरातत्व विभाग है जो नई दिल्ली में स्थापित किया गया, उसमें पुरातत्व से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, जो भी नॉलेज होती थी, उसके लिए उनका हेडक्वार्टर बनाया गया न्यू दिल्ली में और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटी वहीं से कंट्रोल की गई और केंद्र सरकार के और अपने अंडर में रखा। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, अगर हमें हिस्ट्री की नॉलेज लेनी है, तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से भी ले सकते हैं हिस्ट्री की नॉलेज के लिए। और नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया भी उन्होंने न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनाया गया। इसके लिए 200,000 वर्क को इम्पोर्टेंस दिया और वहां पर अभी भी रखे हुए हैं जो हमारी नेशन की हिस्ट्री के 5,000 ईयर्स को स्पेनिंग करते, 5,000 ईयर्स के काल को वापस से रिलेटेड सारी हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है। तो इस तरीके से हमारे हिस्ट्री की नॉलेज के लिए नेशनल म्यूजियम भी है और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी है। अब आगे हमें हिस्ट्री की नॉलेज कहाँ से मिलेगी, आगे हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलेगी न्यूज़पेपर्स से एंड प्रेस क्लिपिंग से, लिटरेचर जो भी है। तो न्यूज़पेपर्स एंड क्लिपिंग्स, जब से हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन हुआ तो अंग्रेजों के शासन में जा सारे ऑर्डर्स सारी रिपोर्ट्स लिखित में होती थी, तो उनकी रिपोर्ट्स उनकी जो भी हमें प्राप्त हुई वो तो हमारे म्यूजियम में भी है और उसी से रिलेटेड जो हमारी जब से हमारी न्यूज़ प्रेस शुरू हुई है वो उसकी प्रेस की क्लिपिंग्स जो छोटी छोटी होती थी या न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स होती थी वो भी हमको मिल जाती है और इससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो उस समय के हमारे लिटरेचर से रिलेटेड जो हमारे विद्वान हुए, जैसे विदेशी विद्वान बहुत सारे थे, जैसे मैंने यहाँ पर टू एग्जाम्पल्स में ले लिए हैं, जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, ये फॉरेनर थे और सारे भी और भी बहुत सारे अदर्स स्कॉलर्स हुए इस टाइप के विद्वान लिटरेचर के। और हमारे इंडिया में जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे और इन्होंने कुछ बंकिम चंद चटर्जी का जो आनंद मठ है और ये दीनबंधु का ये नील दर्पण है। तो हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में जो भी बुराइयाँ थी और जो भी अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ टॉर्चर किया जाता था, जो भी उनके द्वारा कह लीजिए सताया जाता था, शोषण किया जाता था, उनसे रिलेटेड और समाज में बुराइयों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इनसे इन दोनों साहित्यों में मिलती हैं। और बहुत सारे साहित्य जो उस समय के विद्वान हुए जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और ये राजा राममोहन राय, इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उन साहित्यों में हमको प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से
हमारे लिए when और where और how वाला चैप्टर हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बैक हिस्ट्री की सारी नॉलेज प्राप्त होती है। तो डिटेल में आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर आपकी नॉलेज में आ जाएगा। ओके।